मूल मंत्र ओम नमः शिवाय जय बैद्यनाथ। आज दिन गुरुवार, हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ, जय शिव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर और आज दिनांक 1 फरवरी 2024 और आज आपको दिखाने वाले हैं किस प्रकार गुरुवार के दिन में जो है बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में क्या अपडेट है, किस प्रकार भीड़ हो रहा है वो दिखाने वाले। आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चलिए पूरा आपको दिखाते हैं बैक कैमरे के माध्यम से। सो आप यहाँ पे सामने देख रहे हो कुछ इस प्रकार जो है बाबा वैद्यनाथ मंदिर का दृश्य है और इधर से आप जो है मैया पार्वती का भी जो है दर्शन कीजिए। और यहाँ पे आज अगर देखा जाए गुरुवार के दिन में तो बहुत ही कम भीड़ आप देख सकते हैं। आराम आराम से सभी लोग जो है यहाँ पे इधर से ही जो है लाइन लग करके जा रहे हैं जलार्पण करने के लिए। ये देख सकते हैं सामने जो है मैया पार्वती का मंदिर जो है यहाँ से सामने से जो है सीढ़ी के माध्यम से ऊपर की ओर जा रहे हैं। और चलिए शिव मंदिर में जो है अभी किस प्रकार प्रवेश मिल रहा है इन लोग को वो दिखाते हैं, कहाँ से लाइन आज जो है इन लोग को लगाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसमें भी जो है बहुत कम भीड़ है। आप अगर अभी के समय में आएंगे ठंड के मौसम में तो बहुत कम भीड़ों का जो है आपको अभी सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे एक एक करके जो है सभी लोग एकदम आराम आराम से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कम समय में जो है जलार्पण आज कर पा रहे हैं। आज गुरुवार का दिन है और सुबह का 10 बज चुका है। पूरा ओवर ब्रिज आप एक बार चेक कर लीजिए कितना खाली खाली आज पड़ गया है। और बात करें इधर का तो प्रांगण में भी जो है एकदम नॉर्मल भीड़ आप देखिए। एक बार मैं सब कुछ आपको घुमा करके दिखा रहा हूँ और लोग जो है सभी लोग जो है जल लेकर के अभी जा रहे हैं लाइन लगने के लिए। चलिए दिखाते हैं लाइन जो है अभी कहाँ से लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फूल वगैरह भी जो आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं, बीच प्रांगण में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए श्री राम जी का मंदिर है, बोलिए जय श्री राम। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरह सभी लोग जो है एक एक करके एकदम आराम आराम से आज जो है दर्शन पूजा कर रहे हैं महादेव। आप देख सकते हैं कितना कम भीड़ है, एकदम लोगों के बीच एकदम डिस्टेंस बना हुआ है, एकदम दूरी बना हुआ है और किस प्रकार सभी लोग जो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए सामने जो है शिव मंदिर है और लाइन आपका कहाँ से लग रहा है वो मैं आपको पहले दिखाते हैं। ये देखिए सभी मंदिरों में जो है लोग अभी दर्शन पूजा करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे माँ सरस्वती का मंदिर है और इधर से आपका लाइन लग रहा है जस्ट पीछे से, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए जस्ट आपका जो है संस्कार भवन सामने है और यहीं से जो है अंदर प्रवेश सभी को मिल जा रहा है जाने के लिए। और नीचे में कोई भी भीड़ आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आगे बढ़ते हुए आप जाइए, इधर से लाइन जो है लग सकते हैं। और देखिए किस प्रकार सभी लोग जो है जा रहे हैं अभी और यहाँ से फूल वगैरह भी जो है ख़रीदारी लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है। और कुछ इस प्रकार अंदर में जो है अभी लाइन लग रहा है, अंदर पूरा खाली है, उधर जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और चलिए चलिए आपको दिखाते हैं इधर भी आपको, अरे भाई रुकिए ना। और ये देख सकते हैं आप लोग इधर जो है पूरा हर जगह पे एकदम खाली खाली पड़ गया है। और यहाँ पे ऊपर में जो है चढ़ करके जो है धागा वगैरह बांधा जाता है जिसका भी गठबंधन होता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा वैद्यनाथ धाम जो कि आप 12 महीना यहाँ पे देखे हुए कि हर समय जो है ऐसे ही जलार्पण होता है, ऐसे ही जो है यहाँ पे भीड़ होता है। आप इधर देख लीजिए बाहर जाने का रास्ता है पश्चिम गेट और पहले जो है इसी ओवर ब्रिज के ऊपर से आप जो है लाइन क्यू कॉम्प्लेक्स से लगता था, लेकिन अभी भीड़ कम रहने के कारण जो है आपका डायरेक्ट यहीं से संस्कार भवन से ही जो है आपको लाइन लगना पड़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, अभी अगर आप आते हैं तो बहुत कम समय में आप जो है जलार्पण कर पाएंगे। सामने यहाँ आप देख रहे होंगे कि माँ गंगा का मंदिर है और बीच में कुछ इस प्रकार है आप देख सकते हैं। और वैसे आप सभी को जो है बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला है जो कि अपडेट मैं दे पा रहा हूँ। और जस्ट इधर सामने आप देखिएगा तो यहाँ पे आप जो है नीर वगैरह ले सकते हैं जो कि ज्योतिर्लिंग का जो जलार्पण होता है यहीं से आपका नीर प्राप्त होगा, जो कि आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे बाबा लोग बैठे हुए रहते हैं, आप यहाँ से नीर वगैरह ले सकते हैं। अच्छा बता देंगे। और ये देखिए सावन में इसी जगह पे जो है बाहरी अर्घा लगा हुआ रहता है जो कि आप देख सकते हैं अभी पूरा इधर बंद है क्योंकि अभी जो है भीड़ नहीं होता है, इसी कारण जो है ये सारे व्यवस्था जो है सावन के लिए ही किया जाता है। आप यहाँ पे देखिएगा तो इधर पूरा जो है साफ़ सफाई किया जाता है, किस प्रकार जो है यहाँ पे लगातार जो भी वर्कर हैं वो देख रेख करते रहते हैं और यहाँ पे अपने कामों को जो है एकदम अच्छे से करते हैं। और ये सामने है आपका निकास द्वार जो कि आप देख रहे होंगे सभी लोग जो है जलार्पण करके यहाँ से भी निकल रहे हैं और कितना कम भीड़ है। गुड मॉर्निंग मैम, हाँ वीडियो बना रहे, चलिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सभी लोग जो है एकदम दर्शन करके यहाँ पे देखिए एकदम आगे की ओर निकल रहे हैं। और ये सारे जो है ना हम लोग के क्लास टीचर थे जो कि आर्मित्रा स्कूल के। और आप यहाँ पे देखिए पूरे प्रांगण में अगर देखा जाए तो एकदम खाली खाली है और लोग जो है आराम आराम से आज दर्शन पूजा कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं लाइन
लगने से पहले जो है जल कहाँ से लेते हैं? ये चंद्रकूप आपका सामने है और यहीं से जल लेकर के जाते हैं मंदिर जलार्पण करने के लिए। आप देख सकते हैं, अरे ओम नमः शिवाय, जय बाबा विद्यनाथ। शिव शिव रटे तो संकट कटे, शिव राम सार भजो बारंबार। मूल मंत्र ओम नमः शिवाय जय विद्यनाथ। आज दिन गुरुवार 1 फरवरी 2024 में बाबा विद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रातःकालीन दर्शन। ओम नमः शिवाय जय विद्यनाथ। हर हर महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। जय शिव। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलिए बाबा विद्यनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। सब भक्तों का कल्याण हो। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए पूरे जो है मंदिर का दृश्य कितना एकदम जो है पूरा जो भी धागा बांधा गया था, जो गठबंधन किया जाता है वो लगातार जो है खाली किया जाता है ताकि जो है और सारा जो है धागा वहाँ से इस प्रकार बांधा जाए ताकि जो है वहाँ पे वजन ना हो, इसके लिए जो है उसको बार बार जो है खाली करते रहते हैं। आप देखिए, और चलिए ऐसा कुछ जो है दृश्य है पूरे बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर का, और मैंने आप लोग को जो है पूरा लगभग दिखा चुके हैं। और कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बोलिए हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ। जय श्री।